जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है एमजे फैमिली में। दोस्तों, बात करेंगे जो आपकी जीडीएस इंडियन पोस्ट की जो रिजल्ट है वो फिर से जारी होगा। जी हाँ दोस्तों, बहुत अच्छी न्यूज़ है क्योंकि बहुत सारे बच्चों का दोस्तों इस वाली जो लिस्ट जारी हुई है उसमें सिलेक्शन नहीं हुआ। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हरियाणा के ले लीजिए, वहाँ पे लगभग 921 सीट थी लेकिन 916 ही वहाँ पे वैकेंसी जो भरी गई है। बहुत सारे बच्चों का जो कैंडिडेट्स का जो है रिजल्ट इसमें जो सिलेक्शन नहीं हो पाया। जी हाँ दोस्तों, 30,926 टोटल पोस्ट थी और इसमें दोस्तों सिलेक्शन जो है पूरे के पूरे जो है नहीं हो पाया। तो दोस्तों बात करेंगे अभी अभी जो है जीडीएस इंडियन पोस्ट ऑनलाइन ने जो अभी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिफिकेशन जारी किया है। दोस्तों उस नोटिफिकेशन में साफ तौर पे जो दोस्तों लिखा हुआ है कि जो आपका जीडीएस पे फेज 4 का जो रिजल्ट है रिवाइज लिस्ट जारी होगी। जी हाँ दोस्तों, इसमें आपका सब कुछ इंक्लूड होगा, आपका नेम, पोस्ट प्रिफ्रेंस, कट ऑफ कितने पे गई है, कौन सी पोस्ट मिली है, साथ ही आपका डॉक्यूमेंट से रिलेटेड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका नाम, रोल नंबर, एड्रेस सब कुछ उसमें इंक्लूड होगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताऊंगा, इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो दोस्तों बात करने वाले, अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपके लिए बेहतर बुक है, बेस्ट बुक है चक्षु पब्लिकेशन की बुक। आपकी तैयारी अगर बेहतर और मजबूत करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको जो है इसमें प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको जो है स्टडी गाइड भी अवेलेबल है, साथ ही आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी इसमें आपको 2,000 से 3,000 अवेलेबल है। अगर आप इसको परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां के जाकर जल्दी परचेस कर लीजिए। ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही माध्यम में अवेलेबल है। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपको बताता हूँ कि देखिए टोटल पोस्ट ये 30,926 लेकिन ये पूरी की पूरी पोस्ट नहीं भरी गई है। दोस्तों अभी जीडीएस जो फेस 4 जो है रिजल्ट जो है रिवाइज लिस्ट फिर से जारी करेगा। जी हाँ दोस्तों, जिन बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ और वो बोल रहे थे कि सर हमारे इतने परसेंटेज नंबर थे, अभी देखिए कुछ स्टेट्स का रिजल्ट जारी हुआ जिसमें सबसे पहले आपका असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उड़ीसा और नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्य दोस्तों। तो यहाँ पे जो हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे रिजल्ट जो जारी हो चुका है लेकिन कुछ स्टेट बचे हैं जिनका रिजल्ट होना बाकी है। तो दोस्तों ये वैकेंसी जो जितने भरी थी उनका मेरिट जो बनी है दोस्तों उसमें कुछ बच्चों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो उसके चलते अभी जो है, अब जीडीएस ने अपनी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप स्क्रीन पर देख लीजिए, वहाँ पर नोटिफिकेशन जारी किया गया कि इस नोटिफिकेशन के बाद जो आपका फेज 4 रिजल्ट होगा रिवाइज लिस्ट जारी होगी, उसमें आपकी पूरी की पूरी डिटेल्स जो है जानकारी आपको दे दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद करेंगे, आप कामना करेंगे आप सभी का, जिसका सिलेक्शन नहीं हुआ उनका भी सिलेक्शन हो जाए। और नेक्स्ट जो वैकेंसी दोस्तों निकलने वाली है अभी जो है उसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जैसे ही आपकी भर्ती प्रक्रिया पूरी हो जाएगी इसके बाद जो है जल्द से आपकी दूसरी भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि जो अभी कोई भी भर्ती नोटिफिकेशन हम आपके पास सबसे पहले लेकर आएंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।